हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज का जो हमारा मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट का टॉपिक है वो है मनी इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रोल ऑफ मनी इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या सिग्निफिकेंस ऑफ मनी इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये सब हम कह सकते हैं कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मनी का बेसिक रोल क्या है। अगर मनी नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो मनी के क्या क्या फायदे हैं ये हम आज जानेंगे कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक हिसाब से मनी का रोल क्या होता है। आइए से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली बात कही जा रही है कि मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मनी जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लाइफ ब्लड का काम करता है। अगर हम मनी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से बाहर निकाल देंगे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बिना मनी के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काम नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका उल्टा अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो वहां बिना पैसे के काम भी किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली लाइन समझिएगा, मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आगे कह रहे हैं कि विदाउट मनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नॉट फंक्शन स्मूथली। तो बिना पैसे की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी स्मूथली काम नहीं कर पाएगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है एज इज वेल नोन के नॉट फंक्शन विदाउट द प्राइस मैकेनिज्म। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिना प्राइस मैकेनिज्म के अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अब भाई प्राइस मैकेनिज्म होता क्या है? देखिए, प्राइस मैकेनिज्म रिफर्स टू द सिस्टम वेयर द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। मतलब प्राइस मैकेनिज्म एक तरीके का सिस्टम है, ठीक है, जहां पे जो मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड और सप्लाई के, वो किसी भी गुड्स या सर्विसेज के प्राइसेस को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। आप समझ रहे हैं? इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द बायर एंड द सेलर हु एक्चुअली डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बायर और जो सेलर्स होते हैं वो एक्चुअली तय करते हैं कि पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज की क्या प्राइसेस होने चाहिए। जरूरत से ज्यादा अगर प्राइस हो गया तो बायर्स ने खरीदना बंद कर दिया। जरूरत से कम भी प्राइस रख दीजिएगा तो भी बायर्स खरीदना बंद कर देंगे, वो ये सोचेंगे क्वालिटी खराब है। ठीक है, तो ये बायर्स और सेलर्स मिल करके तय करते हैं प्राइस मैकेनिज्म के अंदर कि किसी गुड्स या सर्विसेज की क्या प्राइस होगी। तो इसे हम प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबको मालूम है कि कैन नॉट फंक्शन विदाउट द प्राइस मैकेनिज्म। आगे कह रहे हैं, एंड द प्राइस मैकेनिज्म बाय इट्स नेचर हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो प्राइस मैकेनिज्म को किसमें एक्सप्रेस करने की जरूरत है? मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, the price mechanism in fact is the main source of guidance for the capitalist economy. the capitalist economy ko run karane ke liye price mechanism ek tarike ka source of guidance hai. theek hai, price mechanism guide karta hai ki capitalist economy mein aap kaise goods ya services ki kimat ko aap tay karenge, aur isi basis ke upar capitalist economy run karti hai. aage keh rahe hain ki jo all economic decisions hain in such an economy are made with the help of price mechanism. तो जो भी पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं इकोनॉमी के अंदर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, वो प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस के ऊपर तय किए जाते हैं। As is well known, capitalism recognizes the institution of private property. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जिसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं, ठीक है, तो कैपिटलिज्म में ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्राइवेट होती है। सोशलिस्टिक में क्या होता है? ज्यादातर चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। कैपिटलिस्टिक में क्या होता है? ज्यादातर चीजें प्राइवेट होती हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे हमारी इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। 1947 आजादी से पहले हमारी इकोनॉमी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स हमारे देश को जिस फॉर्मेट में रन कर रहे थे वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी। ज्यादातर चीजें प्राइवेट थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थी। लेकिन आजादी के बाद हमारी इकोनॉमी बन गई मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे कुछ चीजें सरकार के कंट्रोल में है, कुछ चीजें प्राइवेट ओन्ड लोगों के पास भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म रिकॉग्नाइजेस द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। द मींस ऑफ प्रोडक्शन इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज आर प्राइवेटली ओन्ड। तो जो भी मींस ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मींस ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी रिसोर्सेज है, वो सारे के सारे प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, सरकार के कंट्रोल में बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। आगे कहा जा रहा है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां पे अगर आप कोई वेंडर हो, कोई सेलर हो या कोई प्रोड्यूसर हो, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है। इवन कस्टमर का भी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आप कोई भी सामान खरीद सकते हो। अच्छा, वो तो हर जगह पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी यूज में लगा सकते हो, किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो। एन इंडिविजुअल कैन पुट हिज प्रॉपर्टी टू एनी use he likes।
तो अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हो और आप एक इंडिविजुअल हो, आप अपनी प्रॉपर्टी को जिस फॉर्मेट में लगाना चाहो उस फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हो पैसे कमाने के लिए। ही कैन यूटिलाइज हिज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन एनी इंडस्ट्री ही लाइक्स, बट बिफोर डिसाइडिंग टू यूज हिज प्रॉपर्टी द ओनर लुक्स फॉर गाइडेंस फ्रॉम द प्राइस मैकेनिज्म। तो जो मालिक होता है प्रॉपर्टी का, वो अपने प्रॉपर्टी को कहीं लगाने से पहले प्राइस मैकेनिज्म देखता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, इसके ऊपर आप स्कूल भी बना सकते हो, इसके ऊपर आप होटल भी बना सकते हो, इसके ऊपर आप लॉज भी बना सकते हो, इसमें ढेर सारी दुकानें भी खोल सकते हो, इसको आप एग्रीकल्चर के लिए भी दे सकते हो, इसको आप पार्किंग के लिए भी दे सकते हो। तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। तो आप देखोगे प्राइस मैकेनिज्म की भाई डिमांड किसकी है और किसमें मुझे सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। मान लीजिए स्कूल नहीं है आसपास और आपने स्कूल बना दिया, तो भाई बल्ले बल्ले, आप बात समझ रहे हो। तो ये है प्राइस मैकेनिज्म जो आपको हेल्प करता है कि आप प्रॉपर गाइडेंस लो कि आपको क्या करना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी को किस जगह पे लगाना चाहिए। ऑर्डिनरली ही विल यूटिलाइज हिज प्रॉपर्टी और द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन दैट यूज और इंडस्ट्री वेयर ही इज लाइकली टू गेट द हाईएस्ट रिटर्न। ठीक है, तो अगर आपने स्कूल खोल दिया, अगर मान लीजिए आप केपेबल हैं और स्कूल खोल देते हैं और वहां पर ढेर सारी क्लासेस, तो भाई हर साल लाखों रुपए आपकी अर्निंग हो जाएगी, जो बाकी जगह से उतना नहीं मिल पाएगा। अगर जगह ऐसी है कि स्कूल है लेकिन होटल्स नहीं है और टूरिस्ट प्लेस है, तो भाई होटल ज्यादा बढ़िया है, होटल से जितनी आप कमाई कर लोगे उतना स्कूल से नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें हैं, तो वो डिपेंड करेगा प्राइस मैकेनिज्म जगह, ठीक है, और आप फ्री हो कहीं पे भी अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी यूज में लगा सकते हो। आगे कह रहे हैं दिस शैल बी इंडिकेटेड टू हिम बाय द प्राइस मैकेनिज्म, और ये प्राइस मैकेनिज्म डिमांड और सप्लाई के बेसिस के ऊपर ये तय किया जाएगा कि आप कौन सा बिजनेस करोगे, कहाँ अपनी प्रॉपर्टी को यूज करोगे। एन इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट हिज सरप्लस फंड्स इन दैट इंडस्ट्री व्हिच विल यील्ड हिम हाईएस्ट डिविडेंड। तो जो पैसे के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो ऐसी जगह पे उस इंडस्ट्री में अपने मतलब पैसे को लगाएंगे, सरप्लस फंड को लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे जहां पे उनको क्या मिलेगा, हाईएस्ट रेट ऑफ डिविडेंड। तो शेयर मार्केट में, शेयर में जब आप पैसा लगाते हैं तो डिविडेंड मिलता है ना, ठीक है, एंड यू आर फ्री, आप जहां मर्जी वहां लगा सकते हैं। लेबरर विल ऑफर हिज लेबर टू दैट एम्प्लॉयर हु विल पे हिम द मैक्सिमम वेज। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लेबर वहां जाकर के काम करेगा जहां पे उसे सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। आगे कह रहे हैं जो प्राइस मैकेनिज्म होता है ये मदद करता है कंज्यूमर को ताकि वो रैशनल चॉइस कर सकें गुड्स का मार्केट में। रैशनल चॉइस का मतलब मालूम है क्या होता है, रैशनल डिसीजन मेकिंग, या रैशनल चॉइस का मतलब ये होता है कि आप जो भी पैसे खर्च करें उसमें ज्यादा से ज्यादा आप सेटिस्फाई हो सकें, ठीक है, वो आपने खर्च किया और आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला तो वो रैशनल चॉइस था। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ठगा गए, लुट गए, हमने गलत जगह पैसा लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए। तो रैशनल चॉइस में क्या होता है कि हाँ भाई ये मैंने जो सामान खरीदा या यहाँ पे जहां मैंने पैसा लगाया यहाँ पे मुझे सबसे बढ़िया रिटर्न मिल रहा है, आई एम सेटिस्फाइड। तो दिस इज कॉल्ड रैशनल चॉइस, ठीक है। आप कहीं पे भी कोई भी सामान खरीदने के लिए जब भी जाते हैं तो आप कोई सामान बढ़िया खरीद करके ले आते हैं और तो सबको दिखाते हैं तो सब लोग बोलते हैं यार बहुत बढ़िया सामान मिल गया आपको कम प्राइस में, आप बहुत खुश हो जाते हैं, आप संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रैशनल चॉइस। आगे कह रहे हैं कि एवरी कंज्यूमर एज इज वेल नोन विशेज टू डेराइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। तो हर कंज्यूमर जो भी खर्चा करता है उसमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन डिराइव करने की कोशिश करता है, ठीक है। जो प्राइस मैकेनिज्म है वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। जो कंज्यूमर है फॉर एग्जाम्पल कैन कंपेयर द प्राइसेज ऑफ कॉमोडिटी विद द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कॉमोडिटी। तो अलग अलग कॉमोडिटीज के प्राइसेस को तय करता है और वो अपने हिसाब से रैशनल डिसीजन लेता है, रैशनल चॉइस करता है। मोर ओवर बाय कंपेयरिंग द प्राइसेज ऑफ वेरियस सब्स्टिट्यूट्स द कंज्यूमर इज एबल टू मेक अ ट्रेडिशनल चॉइस ऑफ गुड्स। तो वो एक ट्रेडिशनल चॉइस ऑफ गुड्स की भाई मुझे, अब जैसे टी और कॉफी वाली बात है, टी मिलता है आपको मान लीजिए 500 रुपए किलो, जो चाय पत्ती का पैकेट होता है 500 रुपए किलो, और वहीं अगर आप कॉफी की बात करें तो 1200 रुपए किलो, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको चाय पीना है या कॉफी पीना है, आपको दोनों में से कोई एक चीज खरीदना है, तो जो चीज आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेगी जिस भी प्राइस पे आप वो लेंगे, आप समझ रहे हैं। आगे कहा जा रहा है द प्राइस मैकेनिज्म लाइक वाइज हेल्प्स द प्रोड्यूसर इन टेकिंग प्रोडक्शन डिसीजंस। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रोडक्शन डिसीजंस की भैया प्रोड्यूसर हो तो आप क्या चीज प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, कहाँ पे प्रोड्यूस करोगे। प्रोडक्शन के डिसीजंस बहुत तरीके के होते हैं भाई, लेबर इंटेंसिव यूज करोगे, कैपिटलिस्टिक इंटेंसिव मतलब कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीनरी का प्रयोग करोगे, तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजंस हैं। सस्ते सामान बनाओगे, महंगे बनाओगे, कैसे बनाओगे। द प्रोड्यूसर हैज हिज आईज फिक्स्ड ऑन द प्राइस मैकेनिज्म व्हिच रेंडर्स गाइडेंस टू हिम इन हिज प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो प्रोड्यूसर को गाइडेंस मिलता है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में प्राइस मैकेनिज्म द्वारा। वॉट इज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस्ड इज डिसाइडेड बाय द प्रोड्यूसर इन अकॉर्डिंग विद द
डिक्टेट्स ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म, तो क्या प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस कर दीजिएगा, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कम सप्लाई कीजिएगा तो भाई उसमें भी दिक्कत आ सकती है, कई बार डिमांड ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई नहीं कर पा रहे, आपके कस्टमर स्विच कर जाएंगे, दूसरी चीजें खरीदना, ट्राई भी कर लिया तो आपके कस्टमर चले गए, है ना। आपने कोई गुड्स मार्केट में दिया, कस्टमर चाहते हैं उसे लेना, और आप उसे प्रोवाइड नहीं करा पा रहे प्रॉपर तरीके से, और कस्टमर को चाहिए चाहिए, तो अगर वो नहीं ले पाएगा तो वो कोई ना कोई सब्सटीट्यूट ढूंढेगा, और अगर सब्सटीट्यूट ढूंढ लिया उसने, ठीक है, तो हो सकता है कि फिर आपके गुड्स ट्राई भी ना करे और दूसरे को बोले कि भाई ये कंपनी का सामान मिलता ही नहीं है, उससे बेटर आप ये ट्राई कर लो, तो ये भी झंझट है। ठीक है, तो ये पूरा डिसीजन जो प्रोड्यूसर है उस हिसाब से लेता है प्राइस मैकेनिज्म की मदद से। द प्रोड्यूसर विल नेचुरली प्रोड्यूस दोज आइटम्स इन द प्रोडक्शन विच ही इज लाइकली टू ऑब्टेन द हाईएस्ट रिटर्न। तो प्रोड्यूसर नॉर्मली क्या प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। एक वाइज प्रोड्यूसर ऑलवेज रेस्पेक्ट्स एंड द विशेज एंड द प्रेफरेंसेज ऑफ द कस्टमर, द कंज्यूमर इज द किंग अंडर कैपिटलिज्म। तो जो प्रोड्यूसर होता है हमेशा कंज्यूमर की बात सोचता है, मतलब कंज्यूमर को समझता है कि भाई कंज्यूमर राजा है, कंज्यूमर जो बोलेगा वही हमें करना है, वही बनाना है, क्योंकि भाई कंज्यूमर है तो हम है। ठीक है, तो हमेशा रेस्पेक्ट करता है कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस और विशेस को, और उसी हिसाब से चीजें प्रोड्यूस करता है। द प्रोड्यूसर इज द सॉरी द प्रोड्यूसर इज हिज सर्वेंट। किसका सर्वेंट है प्रोड्यूसर? कंज्यूमर का। अ प्रोड्यूसर हैज टू केटर ऑल द विशेस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, बट द विशेस एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, तो जो भी विशेस और प्रेफरेंसेस है कंज्यूमर के वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे? प्राइस मैकेनिज्म में। नेचुरली जो प्राइसेस होते हैं गुड्स के विल बी हायर विच आर डिजायर्ड एंड प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो प्राइसेस होते हैं गुड्स के वो थोड़े ज्यादा होना चाहिए जो कंज्यूमर मतलब चाहते हैं, प्रेफर करते हैं। आप देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जैसे अमेरिका की इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ब्रिटेन की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो वहां चीजें कितनी एक्सपेंसिव है। वहां पे लिम्बोर्गिनी कार है, वहां फिरारी है, वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज की कार है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो बड़े बड़े ब्रांड्स वहां पे कार बेचते हैं इंडिया में नहीं बेचते, और इंडिया के लोग खरीद भी नहीं पाते क्योंकि हमारी मिक्सड इकोनॉमी है। लेकिन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां की जो कंज्यूमर्स होते हैं क्या प्रेफर करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास बहुत पैसा है। इंडिया में लोग 5-6 लाख की कार नहीं खरीद पा रहे, ठीक, वहां पे 5-5-6-6 करोड़ रुपए की 4-4-5-5 कारें हैं लोगों के पास, क्योंकि कंज्यूमर के पास पैसा है और वो एक्सपेंसिव चीजें चाहते हैं। ठीक है, और यही चीज प्राइस मैकेनिज्म कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बताता है। द प्राइस मैकेनिज्म देयरफॉर रेंडर्स ग्रेट सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर इन अराइविंग द रैशनल प्रोडक्शन डिसीजन। ठीक है, तो प्राइस मैकेनिज्म जो है वो एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड कराता है प्रोड्यूसर को, ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके कि भाई क्या प्रोड्यूस करना है। आगे कह रहे हैं कि जो प्राइस मैकेनिज्म है उसे हमेशा मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, वो ये भी मतलब डिटरमाइन करता है द शेयर और द रेमुनरेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आगे इन्होंने बोला जो रिवॉर्ड दिया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, और जो रिवॉर्ड्स होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के वो होता है वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट एसेट्रा, और ये सारे के सारे मॉनिटरी टर्म्स में डिटरमाइन किए जाते हैं एज पर द फोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर एंड द सप्लाई ऑफ देम। ठीक है, डिमांड ज्यादा है लेबर की, ठीक है, लेकिन सप्लाई कम है, तो लेबर्स ने अपने रेट बढ़ा लिए। अब बात समझ रहे हैं, डिमांड ज्यादा है लेबर की, भाई लेबर मान लीजिए घर घर में पेंट करवाना है, ठीक, डिमांड ज्यादा है, लोग ज्यादा पेंटर लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन पेंटर बहुत कम है, तो ये जो कम पेंटर है इन्होंने अपने रेट्स बढ़ा रखे हैं, तो यही सारी चीजें तय करती हैं। अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लाइकली टू सेल इट सर्विसेज टू दैट इंडस्ट्री विच विल पे द हाईएस्ट रिवॉर्ड। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अपना जो भी गुड्स या सर्विसेज है वहां वहीं पे जाकर के बेचेंगे जहां पे उन्हें क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा कम काम पे भी। आगे कह रहे हैं जो प्राइस मैकेनिज्म है दस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो प्राइस मैकेनिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम में, ठीक है, अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आगे इन्होंने कहा जो प्राइस मैकेनिज्म है अगेन हेल्प्स द इंडिविजुअल टू अराइव एट द करेक्ट डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड स्पेंडिंग। तो जो प्राइस मैकेनिज्म है वो एक इंडिविजुअल को मदद करता है ताकि वो एक सही डिसीजन ले सके कि कितना पैसा बचाना है, कितना पैसा खर्च करना है और किस जगह पे खर्च करना है। ये प्राइस मैकेनिज्म एक कंज्यूमर को हेल्प करता है। जो प्राइस मैकेनिज्म है हियर अज्यूम्स द शेप ऑफ द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये जो प्राइस मैकेनिज्म है वो इंटरेस्ट रेट का एक शेप बनाता है और तय करता है। द इंटरेस्ट रेट इज इन फैक्ट द प्राइस ऑफ द मनी, इट विल बी सेटल्ड एट द पॉइंट where the demand for and the supply of the money are equal.
तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कहाँ पे आता है, एक हिसाब से सेटल होता है उस पॉइंट पे जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं। हायर द इंटरेस्ट रेट, हायर द वॉल्यूम ऑफ सेविंग एंड वाइस वर्सा। जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना ज्यादा सेविंग होगा, ठीक है। आगे कहा जा रहा है, जो प्राइस मैकेनिज्म होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टू डिफरेंट चैनल्स। तो प्राइस मैकेनिज्म प्रॉफिट के फॉर्मेट में क्या करता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसको अलग अलग चैनल्स में क्या करता है, रेगुलेट करता है, डालता है। हायर द रेट ऑफ प्रॉफिट इन अ पर्टिकुलर यूज ऑफ इंडस्ट्री द ग्रेटर विल बी द फ्लो ऑफ फंड्स टू दैट यूज ऑफ इंडस्ट्री। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उतना ज्यादा पैसे को डाला जाएगा, फ्लो ऑफ फंड किया जाएगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री देख लो, ऑनलाइन आजकल चीजें हो गई, इंटरनेट ज्यादातर चीजें हो गई, बिजनेसेस ज्यादा हो गए ऑनलाइन इंटरनेट पे, ठीक है। तो अब जब ऑनलाइन का जमाना है तो सब ऑनलाइन में ही लोग फोकस कर रहे हैं, ऑनलाइन में ही अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, तो उसी में ज्यादा पैसा डाल रहे हैं क्योंकि वहां रिटर्न ज्यादा है, ठीक है। आगे कह रहे, बिसाइड्स इट इज द प्राइस मैकेनिज्म व्हिच एस्टैब्लिशेस एन इंटर रिलेशनशिप अमंग द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट्स इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अलग अलग टाइप के जो मार्केट्स है वहां पे एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश, इंटर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में प्राइस मैकेनिज्म मदद करता है। जो प्राइस मैकेनिज्म है दस इज द सोल ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस मैकेनिज्म है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या है, आत्मा है, सोल है। भाई ये आत्मा निकाल दो, प्राइस मैकेनिज्म को निकाल दो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। विदाउट इट कैपिटलिज्म वुड ब्रेक डाउन। इसके बिना कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा। व्हाइल द मनी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इज सो वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग इनस्टेबिलिटी इन इट्स वर्किंग। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वर्किंग में एक तरीके से इनस्टेबिलिटी लेकर के आता है, ठीक है। इन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी में नॉर्मली प्राइस मैकेनिज्म हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कैपिटलिज्म इकोनॉमी के या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फंक्शनिंग में कि कई बार ये इनस्टेबिलिटी भी ले आता है। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज इनहेरेंटली अनस्टेबल बिकॉज द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ द मनी विच हैव देयर रेपरकशंस ऑन द जनरल प्राइस लेवल। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चीजें बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहती हैं क्योंकि जो प्राइसेस होते हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं क्योंकि डिमांड और सप्लाई है, ठीक है। मनी की भी सप्लाई कम ज्यादा होती रहती है तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ता घटता रहता है। तो ये था रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि थोड़ा बड़ा वीडियो था लेकिन आपको बहुत कुछ डिटेल में सीखने को मिला होगा। ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।